जेएनयू में प्रधानमंत्री का पुतला फूके जाने के मामले में गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। जेएनयू प्रशासन ने भी जांच के आदेश दिए हैं, साथ ही मामले से जुड़े छात्रों को कारण बताओ नोटिस भी भेजा है। उधर पीएम मोदी का पुतला फूके जाने पर बीजेपी ने कड़ा एतराज जताया है। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस हताशा में ऐसा कर रही है। प्रधानमंत्री केवल बीजेपी के नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री है। अब फिर सांसदों का प्रधानमंत्री का पुतला फुकवाकर कोई नया गुल खिलाना चाहते हैं क्या? ये प्रधानमंत्री का पुतला न कोई पहली बार जल रहा है न अंतिम बार जल रहा है, और ये इसकी शुरुआत हमेशा भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुई है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान आज सिविल लाइंस के एसीबी दफ्तर में पेश हो सकते हैं। वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की भर्तियों में गड़बड़ी के मामले में एसीबी ने समन भेजा था। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने 7 अक्टूबर को अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा गठित वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया था और उस दौरान हुई सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। दिल्ली में एम्स अस्पताल परिसर के भीतर रिहायशी मकानों को दोबारा से बनाया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट से निर्माण के काम को मंजूरी दी गई है। पहले से बने मकान करीब 60 साल पुराने हैं, जिनकी जगह अब नए मकान बनाए जाएंगे। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने दिल्ली में ठंड और दीपावली के मौके पर होने वाले प्रदूषण को लेकर एक बैठक की। बैठक में फैसला हुआ कि दिल्ली सरकार पटाखों को लेकर जागरूकता अभियान चलाएगी, जिसमें लोगों से दिवाली के मौके पर पटाखे नहीं जलाने की अपील की जाएगी। 42वें इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड गिफ्ट फेयर में इस बार 100 से ज्यादा देशों के लोग हिस्सा ले सकते हैं। इसके साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और फ्रांस समेत करीब 110 देशों के खरीदारों के यहां आने की उम्मीद है। 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को लिखा है कि शिव सैनिकों ने उन्हें जान से मारने के लिए हमला किया था। सोमैया ने मुंबई पुलिस से इस साजिश का खुलासा करने को कहा है। दशहरे के दिन किरीट सोमैया ने बीएमसी में भ्रष्टाचार के रावण के पुतले के दहन का आयोजन किया था। इस दौरान शिव सैनिकों ने हंगामा किया था और किरीट सोमैया के साथ धक्का मुक्की हुई थी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मुंबई में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की आज बैठक बुलाई है। बैठक में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में पार्टी की रणनीति को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सरकार की ओर से हलफनामा देने में हो रही देरी को लेकर नाराजगी जताई। सरकार ने कोर्ट को बताया कि मराठा समाज में कई जातियां शामिल हैं और क्योंकि जाति को लेकर जनगणना नहीं होती, इसीलिए जरूरी डेटा जुटाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई 7 दिसंबर तक के लिए टाल दी है। महाराष्ट्र सरकार ने गरीब छात्रों के लिए राज ऋषि शाहू महाराज की प्रतिपूर्ति योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत जिन अभिभावकों की सालाना आय 6 लाख या इससे कम होगी और जिन छात्रों के 60% या इससे ज्यादा नंबर होंगे, उन्हें ओबीसी स्टूडेंट की तरह फीस में 50% छूट मिलेगी। महाराष्ट्र के पशुपालन मंत्री महादेव जानकर ने एनसीपी नेता अजीत पवार को लेकर अपनी टिप्पणियों पर माफी मांगी है। महादेव ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया है, लेकिन उनकी बातों से अगर कोई आहत हुआ तो वो खेद जताते हैं।